सिटी न्यूज। अरे भाई रसीले, क्या बात है, आज तो तुम बड़ा खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं मुगलू, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी, जिंदगी मायूस थी, मैं मरना चाहता था। अचानक मुझे जिंदगी मिल गई। मैंने एक बुक स्टार पर उजाला सिटी समाचार पत्र पढ़ा। पढ़ते ही मुझे जीने की उम्मीद नजर आने लगी। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं जीना चाहता हूँ। क्या कुछ नहीं उस अखबार में, सब कुछ तो है। महिला जगत, खेल, देश विदेश, जिलों के समाचार, राजधानी की खबरें, मनोरंजन, व्यापार और भी ना जाने क्या क्या। आप भी अपनी जिंदगी में उजाला लाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए उजाला सिटी समाचार पत्र। अपने हाकर से मांगिए या किसी भी बुक स्टॉल से खरीदिए या फिर सदस्य बनिए। उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला सिटी समाचार पत्र। अब देर कैसी, जल्दी कीजिए। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। निजी BTC कॉलेजों के लिए बनेगी नियमावली। नए सिरे से निर्धारित होगी समस्त प्रक्रिया। लैंड पूलिंग के आधार पर होगा जमीन का अधिग्रहण। संशोधित विधेयक का प्रारूप हुआ तैयार। अस्मा हुसैन अमेरिका में बिखेरेंगी भारतीय रंग। अटलांटा में आयोजित प्रदर्शनी में होंगी शामिल। 15 जून तक हज फीस व पासपोर्ट जमा करने का निर्देश। राज्य हज कमेटी ने हज यात्रियों से किया अनुरोध। GRP के थानों में स्थापित होंगे सर्विलांस सेल। रेलवे पुलिस को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रत्याशियों के चयन हेतु कांग्रेस की बैठक। प्रेस क्लब में लगा मेडिकल कैंप। वजीरगंज में पकड़े गए 2 वाहन चोर। पूर्वी इलाके में फिर चला पुलिस का अभियान। मेहमान शायर रौनक मुसब्बिर शाहजहांपुरी। मनोरंजन विशेष में लता मंगेशकर के गीत। स्पेशल स्टोरी में राजधानी में बिकता दूषित पानी। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अग्नि मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक आज माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय में संपन्न हुई। इसमें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस मुख्यालय माल एवेन्यू में शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक विधायक एवं शहर अध्यक्ष श्याम किशोर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। इसमें समस्त पदाधिकारी, पार्षद और वार्ड कमेटियों के लोग शामिल हुए। बैठक में लखनऊ की समस्त सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राम गोपाल सिंह ने बताया कि बैठक की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। पत्रकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आज स्थानीय प्रेस क्लब में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित मेडिकल कैंप में पत्रकारों आदि ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने भी मेडिकल कैंप में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर भुवन तिवारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पत्रकारों आदि को स्वस्थ रहने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आज प्रेस क्लब में लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि मैंने ये स्टडी किया है कि जो भी हमारे लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की जितनी भी तकलीफ़ है, हार्ट अटैक होते हैं, हमारे देश में कम उम्र में होते हैं, उसकी जो मेन वजह है स्ट्रेस
सही टाइम पे खाना नहीं खा पाना, और जो खाना हम खाते भी हैं खाने में सब्जियों की मात्रा और फलों की मात्रा का कम होना है। तो मैंने ये सोचा कि प्रेस वालों में ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, टाइम पे सोना नहीं होता है, रात देर रात तक जागना होता है, सुबह टाइम पे उठ के वॉक पे जाने का पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत समय वो लोग अपने घर से दूर रहते हैं तो रास्ते में जो भी खाना पीना मिला वो खा लिया, सब्जी और वो सब ना खा के वो समोसा कचौड़ियों में भी काफ़ी काम चलता है, और मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, कभी दौड़ भाग का भी वो रहता है तो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो हमने ये इस वजह से फैसला किया कि हम प्रेस वालों में कैंप करें, उनको इस चीज़ से जागरूक कराएं कि वो इस महत्व समझे कि अपनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और वो इस चीज़ से जागरूक हों। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। वजीरगंज पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सहित 2 लोगों को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वजीरगंज थाने के SSI दयाशंकर राय ने दोनों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वजीरगंज थाने के SSI दयाशंकर राय ने गोपनीय सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ उन्नाव के इनामी बदमाश अब्दुल वाशिद उर्फ लंबू तथा उसके साथी बबलू यादव को रेजिडेंसी के निकट से गिरफ्तार किया। दोनों अपराधी बांगरमाऊ उन्नाव के रहने वाले बताए जाते हैं। इनकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए वाहन चोरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और 7 वाहन चोर हैं और 2 मुलजिम हैं, 1 बासित उर्फ लंबू है और दूसरा बबलू नाम है उसका। ये दोनों मुलजिम जो है ये अन्य जनपदों से बाहर जनपदों से लेकर के गाड़ी लाकर खरीदती चुरा करके यहाँ बेचती हैं और यहाँ की गाड़ी दूसरे जनपद में बेचती हैं। बासित उर्फ लंबू जो है ये अभी कुछ दिन पहले सतीश मिश्रा जो अपराधी था, जो वजह से भागा हुआ था, उसके भागने में सहयोग किया था और इसके विरुद्ध जो है अन्य जनपदों में हत्या और अन्य और ये खिलाफ कार्रवाई हुई। कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं? 4 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, चारों अलग अलग जिले की। हाँ, 3 जनपद उन्नाव की हैं, 1 जनपद। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। राजधानी के पूर्वी इलाके में फर्जी ID पर सिम बेचने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के कब्जे से भारी संख्या में फर्जी ID बरामद हुई है। SPCT पूर्वी डॉक्टर BP अशोक के निर्देशन पर 10 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फर्जी ID पर सिम बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आलमबाग पुलिस ने गड़ी कनौरा के प्रवीण व इमरान तथा हजरतगंज पुलिस ने उमाशंकर को गिरफ्तार किया है। SPCT पूर्वी डॉक्टर BP अशोक ने बताया कि पकड़े गए लोग सड़क के किनारे काउंटर लगाकर निजी कंपनियों के सिम बेचने का काम करते हैं। दिनों से ये देखा जा रहा था कि अपराधों के अंदर ऐसे लोग जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन फर्जी ID से लिए गए थे, फर्जी ID के सिम वो लोग यूज़ कर रहे थे और सेकंड हैंड फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन चोरी के यूज़ कर रहे थे। इस तरह के सिम और मोबाइल फ़ोन के यूज़ करने से काफ़ी बड़े अपराधों को कारित किया जाता है और पुलिस जब उसमें कार्रवाई करती है तो पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और एक सरदर्द रहता है, क्योंकि उनका जब एड्रेस ढूंढते हैं ID से वो एड्रेस उनको मिल नहीं पाता, तो अपराधी पुलिस से बचे रहते हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आज अभियान चलाया गया था लखनऊ पूर्वी क्षेत्र में और इसमें हमारी करीब 25 टीमें निकाली गई थी जिसमें हमारी 3 टीमों को सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। गॉडफ्रे फिलिप्स की ओर से होटल ताज में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल BL जोशी ने साहसिक कार्य करने वाले कई बहादुरों को सम्मानित किया। गॉडफ्रे फिलिप्स द्वारा होटल ताज में आयोजित समारोह में जिन लोगों को राज्यपाल BL जोशी ने सम्मानित किया उसमें 5 लोग उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। इस मौके पर बांदा निवासी गुलाबी गैंग की मुखिया संपत पाल को गॉडफ्रे फिलिप्स आमोदनी पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह में लोक गायिका मालिनी अवस्थी के लोक गीतों पर दर्शक झूम उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। कर्मियों द्वारा संचालित उजाला सेवा संस्थान के माध्यम से युवक युवतियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑडियो मीडिया का पूर्ण निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। उजाला सिटी न्यूज 195/11 JN Road नियर कैसरबाग बस अड्डा गोलागंज लखनऊ। फोन नंबर 0522329-7835 और मोबाइल नंबर 8081741076। देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का।
आज के मेहमान है शायर रौनक मुसव्विर शाहजहांपुरी। मैं रौनक मुसव्विर शाहजहांपुरी उजाला सिटी न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्रोग्राम हमारे मेहमान में आज मुझको दावत दी है। मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। मैंने अपने शायरी का सफ़र 1959 से शुरू किया और आज तक मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक स्कॉलर की हैसियत से उर्दू अदब की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि दूसरे अदब का भी मुताला किया है और मैं ये समझता हूँ कि चराग से चराग जलने का अमल जारी और सारी है। मीर गालिब से लेकर के निराला जी से लेकर के अमीर खुसरू और मौलाना रूम से लेकर आज तक जितने भी शायर पैदा हुए हैं, पैदा होते रहे हैं और एक दूसरे से जो है इस्तेफादा करते रहे हैं, एक दूसरे से रोशनी लेते रहे हैं। उर्दू अदब का जहाँ तक उर्दू अदब तक का ताल्लुक है तो उर्दू अपने ही देश में जो सूरत हाल है, जो उसके साथ सौतेलेपन का बर्ताव किया जा रहा है, तो ये कुछ चंद लोगों का कहना है मगर ऐसा नहीं है। उर्दू हमारी नस नस में है। जब तक हमारा टीवी, हमारा रेडियो, हमारी फिल्म, हमारा माशरा, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब जिंदा रहेगी, उर्दू जिंदा रहेगी। उर्दू और हिंदी ये दोनों सगी बहनें हैं, ये यहीं बड़ी पली, क्योंकि उर्दू खुद कोई ज़ुबान नहीं है। उर्दू संस्कृत ब्रजभाषा और फारसी से मिल करके एक लश्करी ज़ुबान, एक कम्युनिकेशन की ज़ुबान बन रही है। मैंने अपना शायरी का सफ़र 1959 शुरू किया। मेरे घर का माहौल शायराना था। मेरे दादा मखसूस साहब और मेरे बड़े ताया कल्ब अली साहब शायरी से बहुत शौक़ रखते थे। मुझे उन्हीं से मतलब ये प्रेरणा मिली। मेरे स्कूल टीचर जो थे वो भी शायर थे, काजिम अली साहब, उनसे वो शायर जब शेर पढ़ते थे तो मैं समझता था ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसी से मैं मतलब ये कि वो मुतासिर होकर के कुछ उल्टी सीधी तुकबंदी करने लगा। उसके बाद में जब मैं हाई स्कूल में आया तो इस्लामिया इंटर कॉलेज में रशीद हसन खान साहब, जो दुनिया के माहिर लिसानियात हैं, जिनको पूरा अदब दुनिया जानती है, उनकी सोबतों में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और उनकी सरपरस्ती में शेर कहने लगा। मैं शेर कहता हूँ, बरसों से मैं शेर कर रहा हूँ और आज तक कहता रहा हूँ। मैंने बहुत सी शायरी की है अच्छी अच्छी। मेरा प्रोफेशन पेंटिंग है, मेरा नाम भी रौनक मुसव्विर है और मेरा प्रोफेशन भी पेंटिंग है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बनाई और जो लोगों के सामने पेश हुई, एग्जीबिशन भी लगी और पत्रिकाओं में भी हिंदुस्तान के छपता रहा हूँ, रेडियो पे भी, टीवी पे भी आता रहा हूँ, छपता रहा हूँ, मशायरों में भी जाता हूँ। हालांकि मशायरे का माहौल अब वो नहीं रहा है, अब मंच थोड़ा सा सस्ता हो गया है, अच्छे लोगों की पहचान जो है वो बिटती जा रही है और ये सूरत हाल हर जगह है। लिटरेचर में अहल और नाअहल की लड़ाई हमेशा से रही है। जो लोग डिजर्विंग हैं वो हमेशा नॉन डिजर्विंग रहे हैं, पीछे रहे हैं। मैं रौनक मुसव्विर शाहजहांपुरी उजाला सिटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्रोग्राम हमारे मेहमान में आज मुझको दावत दी है। आप हमारे द्वारा प्रसारित अपने खास प्रोग्रामों को देश विदेश कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट www.ujalacitynews.com पर भी लॉग ऑन कर देख सकते हैं। उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। आप अपने आयोजनों की कवरेज एवं विज्ञापनों हेतु व सुझाव के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0522-329-7835, 9026307575, 8081-741-076 और फैक्स नंबर है 0522-410-6197। अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मनोरंजन विशेष में लता मंगेशकर की गीत। My
राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। अब देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में राजधानी में बिकता दूषित पानी। आसमान से बरसती आग और गर्मी से सूखते गले को राहत पहुंचाने के लिए आम आदमी को महसूस होती है पानी की जरूरत। प्यास बुझाने के लिए जब नल सूखे पड़े हों तो आदमी खरीद कर पानी का इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं करता। गर्मी के मौसम में जरूरतमंदों की प्यास बुझाने का धंधा राजधानी में खूब फलता फूलता है। पानी की बंद बोतल तो पड़ती है महंगी, ऐसे में पानी का पाउच पड़ता है सस्ता। इस बार पानी के पाउच की कीमत हो गई है 2 रुपए। पिछले साल यही पाउच 1 रुपए में होता था उपलब्ध। पाउच में बिकने वाला पानी भले ही पूरी तरह स्वच्छ न हो लेकिन ठंडा होने की वजह से गर्मी में पहुंचाता है राहत। उजाला सिटी न्यूज के लिए आदिल पारी की खास रिपोर्ट। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रत्याशियों के चयन हेतु कांग्रेस की बैठक। प्रेस क्लब में लगा मेडिकल कैंप। वजीरगंज में पकड़े गए 2 वाहन चोर। पूर्वी इलाके में फिर चला पुलिस का अभियान। मेहमान शायर रौनक मुसब्बिर शाहजहांपुरी। मनोरंजन विशेष में लता मंगेशकर के गीत। स्पेशल स्टोरी में राजधानी में बिकता दूषित पानी। अरे भाई रसीले, क्या बात है, आज तो तुम बड़ा खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं मुगलू, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी, जिंदगी मायूस थी, मैं मरना चाहता था। अचानक मुझे जिंदगी मिल गई। मैंने एक बुक स्टॉल पर उजाला सिटी समाचार पत्र पढ़ा। पढ़ते ही मुझे जीने की उम्मीद नजर आने लगी। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं जीना चाहता हूँ।
क्या कुछ नहीं उस अखबार में, सब कुछ तो है। महिला जगत, खेल, देश विदेश, जिलों के समाचार, राजधानी की खबरें, मनोरंजन, व्यापार और भी ना जाने क्या क्या। आप भी अपनी जिंदगी में उजाला लाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए उजाला सिटी समाचार पत्र। अपने हाकर से मांगिए या किसी भी बुक स्टॉल से खरीदिए या फिर सदस्य बनिए। उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला सिटी समाचार पत्र। अब देर कैसी, जल्दी की।